everyone, welcome back to English Study. I am Shweta Chauhan and today we are going to learn how to change present perfect continuous tense, past indefinite tense and past continuous tense into interrogative speech. It's very important and crucial topic in basic English grammar. So if you want to learn, continue watching. तो आज हम पढ़ेंगे कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। अभी तक हम प्रेजेंट के बाकी टेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है वो सीख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ द डायरेक्ट स्पीच बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। The helping verb has been and have been will change to the had been, while the verb's present participle form will used with the additional word of ing. अगर direct speech present perfect continuous tense की है तो उसकी reported speech यानी indirect speech past perfect continuous tense में change हो जाएगी, और जो present perfect continuous के helping verb होते हैं has been, have been, वो हैड बीन में चेंज हो जाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगी। तो ये होता है रूल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को चेंज करने का इनडायरेक्ट स्पीच में। फॉर एग्जांपल, शी सेड वी हैव बीन वॉचिंग द क्रिकेट मैच फॉर 2 आवर्स। उसने कहा हम 2 घंटे से क्रिकेट मैच देख रहे हैं। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे? जब हम किसी और को बताएंगे यही कहेंगे, उसने कहा कि वे 2 घंटे से क्रिकेट मैच देख रहे थे। शी सेड दैट दे हैड बीन वॉचिंग द क्रिकेट मैच फॉर 2 आवर्स। दे सेड, उन्होंने कहा, ही हैज़ बीन टीजिंग द न्यू स्टूडेंट सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से नए बच्चों को तंग कर रहा है। दे सेड दैट He had been teasing the new students since morning. तो इन दोनों एग्जाम्पल में जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है सेंटेंस वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ये उससे बिलोंग करता है। इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में। इसमें हैव बीन और हैज़ बीन को हैड बीन में चेंज कर दिया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी वो सेम है। आगे अगर नेगेटिव में हो तो He said, I have not been practicing yoga for 1 week. उसने कहा मैं 1 हफ्ते से योगा की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा मैं योगा की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बताएंगे तो हम किसी और से क्या कहेंगे कि उसने कहा था कि वो यानी ही प्रैक्टिस नहीं कर रहा योगा की। He said that he had not been practicing yoga for 1 week. We said, हमने कहा, she has not been criticizing the government's new policies since March this year. We said that she had not been criticizing the government's new policies since March this year. तो इस तरह से नेगेटिव के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच में बदलते हैं। एफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद बारी आती है इंटरोगेटिव रूल की। तो इंटरोगेटिव रूल होते हैं 2 टाइप के, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। जैसे डायरेक्ट स्पीच में रूल होता है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे पहले या तो हैज़ हैव आता है या फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस देन क्वेश्चन मार्क। अगर हमें फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव को इनडायरेक्ट में बदलना है तो सबसे पहले तो जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है वो लगा देंगे, ठीक है, जैसे दे सेड, ही सेड टू मी, दे आस्क मी, ओके। फिर उसके बाद लगाएंगे हम इफ़ दैट को, जो हम लगाते हैं कनेक्टिव वर्ड दैट उसको जगह लगा देंगे हम इफ़, और फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव, इसका रूल क्या होता है। जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है उसको छोड़ के, लाइक दे सेड, ही आस्क मी, हम सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास की बात कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, जो भी WH वर्ड है, उसके बाद हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच में इसका रूल होगा WH वर्ड, कनेक्टिव वर्ड ही WH है, ना तो हम इसमें दैट लगाएंगे, ना इफ लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही हमारा कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा कॉमास को हटा के। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये होगा इंटरोगेटिव रूल। फॉर एग्जाम्पल्स, आई सेड Have they been launching this missile since March? मैंने कहा क्या वे मार्च से इस मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं, क्या वे मार्च से इस मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव, हैज़ या हैव से शुरू हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, हैव दे बीन से शुरू हुआ है हैव से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये नहीं कहेंगे आई सेड दैट, दैट का यूज़ नहीं करना। अगर फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव है तो कनेक्टिव वर्ड होगा इफ़, क्योंकि हैव दे बीन, यानी जब भी कोई हैज़ हैव से शुरू होता है तो क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसी सेंस के साथ हम इफ़ लगाएंगे, आई सेड इफ़ दे हैड बीन लॉन्चिंग द मिसाइल सिंस मार्च। अब यहाँ पर दे से पहले हैड नहीं आया, दे के बाद आया, ये रूल है कि इफ़ के बाद सब्जेक्ट आएगा फिर हैड बीन। राम सेड टू श्याम, वाई हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। राम ने श्याम से कहा तुम 2 घंटे से किताब को क्यों पढ़ रहे हो। डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो राम ने श्याम से कहा, यानी राम ने श्याम से पूछा, राम आस्क्ड श्याम। जैसे हमने कहा कि सेट टू को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आस्क्ड में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर ना तो हम इफ़ लगाएंगे ना दैट, क्योंकि कनेक्टिव वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड ही होगा। राम आस्क्ड श्याम व्हाई। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव रूल अप्लाई कर देंगे। व्हाई यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, नो इंटरोगेटिव मार्क। तो इस तरह से बनता है। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो हो जाता है चेंज पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो इस तरह से चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। सो इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी यूज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में या नॉर्मल फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 टेंस चेंज होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, ही सेड वी वेंट टू द ओल्ड ग्रामर इंस्टीट्यूट ऑफ द सिटी। उसने कहा हम शहर के सबसे पुराने ग्रामर इंस्टीट्यूट में गए। वी वेंट टू द ओल्ड ग्रामर इंस्टीट्यूट, वी वेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ये कैसे बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट दे हैड गॉन टू द ओल्ड ग्रामर इंस्टीट्यूट ऑफ द सिटी। बेसिकली उसने कहा कि हम गए थे, मतलब बहुत सारे लोग गए थे, उसने कहा इंक्लूडेड ही। लेकिन ये बात अगर हम किसी और को बताएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम गए थे, हम बताएंगे कि वो गए थे। अब दे के साथ हमने लगा दिया हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आगे स्मिथ सेड, स्मिथ ने कहा ही रॉट द फाइनल लेटर टू हिज क्लासमेट। उसने अपने सहपाठी को आखिरी पत्र लिखा। स्मिथ सेड दैट ही हैड रिटन द फाइनल लेटर टू हिज क्लासमेट्स। अब नेगेटिव देखते हैं। ही सेड टू मी शी डिड नॉट गेट हर न्यू मोटोरोला मोबाइल। उन्होंने मुझसे कहा उसे अभी तक उसका नया मोटोरोला मोबाइल नहीं मिला है। ओके, सो दे टोल्ड मी, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। दे टोल्ड मी दैट शी हैड नॉट गॉटन हर न्यू मोटोरोला मोबाइल। ही सेड टू मी यू डिड नॉट क्लियर ऑल द ऑब्स्टिकल्स सक्सेसफुली। उसने मुझसे कहा कि तुमने अपने सारे ऑब्स्टिकल्स
सक्सेसफुली सारी बाधाएं अच्छे से क्लियर नहीं की। यहाँ पर उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी दैट, अब आपको सन इक्वल 1 to 3 ओल तो याद ही होगा, यू कौन सा सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को हम कैसे बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में मी यानी आई। सो ही टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट क्लियर्ड ऑल द ऑब्स्टिकल्स सक्सेसफुली। अब देखते हैं इसका इंटरोगेटिव रूल। डायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड देन क्वेश्चन मार्क। इनडायरेक्ट स्पीच में ये रूल हो जाएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट फिर हैड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच में सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव का जो रूल होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड फिर डेड उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच में ये रूल भी चेंज हो जाएगा, फिर जो कनेक्टिव वर्ड होगा वो हो जाएगा जो भी क्वेश्चन वर्ड है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, हेड लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच में हर एक इंटरोगेटिव वाक्य को हम लाइक पॉजिटिव वे में बताते हैं, उसमें फिर क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, सैम सेड टू मी, सैम ने मुझसे कहा, डिड दे गिव यू अ वार्म वेलकम, सैम आस्क्ड मी इफ दे हैड गिवन मी अ वार्म वेलकम। अब देखो, सैम ने मुझसे कहा, सैम आस्क्ड मी, डिड दे गिव यू अ वार्म वेलकम, सो डिड से शुरू हुआ है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब 1, 2, 3 और सन के रूल से हमें पता है कि दे जो है वो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता। तो इफ़ दे हैड गिवन मी, अभी ऊपर वाले सेंटेंस में क्या है, गिव यू, यू क्या है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में मी यानी आई, तो यहाँ पर हम मी ही लिखेंगे। इफ दे हैड गिवन मी अ वार्म वेलकम, शनाया सेड टू अभी, डिड यू गिव माई पेन टू अंकिता, शनाया आस्क्ड अभी इफ़ ही हैड गिवन हर पेन टू अंकिता, शनाया ने अभी से कहा क्या तुमने मेरी पेन अंकिता को दी, तो शनाया ने अभी से पूछा अगर उसने उसकी पेन को अंकिता को दिया था। ही सेड टू हर, वाई डिड शी स्लैप रॉबर्ट ऑन द रोड, उसने उससे पूछा तुमने रॉबर्ट को रोड पर थप्पड़ क्यों मारा। ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा वाई शी हैज स्लैप्ड रॉबर्ट ऑन द रोड, उसने रॉबर्ट को रोड पर थप्पड़ क्यों मारा था। अब चेंज करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा। ओके, सही सुना आपने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, और साथ ही पास्ट कंटीन्यूअस टेंस भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। The tense of past continuous tense changes into past perfect continuous tense when we convert its direct speech into indirect speech or reported speech. जो past continuous tense का tense होता है वो past perfect continuous tense में बदल जाएगा अगर हम इसकी direct speech को indirect speech में बदलते हैं। The helping verb of the past continuous tense was and were will change into had been with the present participle form of the verb and ing. जो past continuous tense की helping verb होती हैं was, were, उसको हम change कर देंगे had been में, और फिर present participle verb की first form के साथ ing लगाएंगे। For example, she said, उसने कहा, we were making the frames of sunglasses, हम sunglasses के frame बना रहे थे। She said that, उसने कहा कि वे sunglasses के frame बना रहे थे, they had been making the frame of sunglasses। वैसे भी हिंदी में जो past continuous tense होता है present perfect continuous tense उसकी वाक्यों की ending रहा था रही थी सी होती है। Second example, he said, उसने कहा, I was planning to visit the beautiful valley of northern Pakistan। उसने कहा कि मैं नॉर्थन पाकिस्तान उत्तरी पाकिस्तान की सुंदर वादियों सुंदर घाटियों को देखने का प्लान बना रही थी या प्लान बना रहा था। ही सेड, सो ही सेड दैट ही हैड बीन प्लानिंग टू विजिट द ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ नॉर्थन पाकिस्तान। दे सेड
we were dancing with the loud pop music. They said that they had been dancing with the loud pop music. उसने कहा कि हम loud pop music पर dance कर रहे थे और ये हो जाएगा they said they had been dancing with the loud pop music. Taylor said to me, Taylor ने मुझसे कहा, I was not learning the basic English grammar. मैं basic English grammar नहीं पढ़ रहा था. यहाँ पर I was not है, I से start होता है. I है हमारा first person जो reporting verb के subject के अनुसार बदलेगा. Subject है Taylor, तो Taylor बदल जाएगा. अगर हम pronoun subject की बात करें तो he में, right? So Taylor told me, Taylor ने मुझे बताया कि वह basic English grammar नहीं पढ़ रहा था. He had not been learning the basic English grammar. See Shad, उसने कहा, Aliza was not challenging all of her classmates for a 5 kilometer race. Aliza पूरी क्लास को नहीं या फिर पूरे सहपाठियों को 5 kilometer की रेस के लिए चैलेंज नहीं कर रही थी. She said that Aliza had not been challenging all of her classmates for a 5 kilometer race. Affirmative and negative के बाद देखते हैं interrogative. तो जो भी रिपोर्टिंग पार्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट, उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंटरोगेटिव में, वो होती है वाज वर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, देन क्वेश्चन मार्क. एग्जांपल, दे सेड टू मी, वर यू ट्राइंग टू कन्विंस अस फॉर जॉइनिंग द IHLP क्लास एट लर्न ESL. उन्होंने मुझसे कहा, दे सेड टू मी, Were you trying to convince us? क्या तुम हमें IHLP क्लास को ज्वाइन करने के लिए कह रहे हो ESL पर? So basically, यहाँ पर जो सेंटेंस है वो रूल के अकॉर्डिंग was या were से ट्राई हुआ है, स्टार्ट हुआ है. तो इसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, ये देखते हैं. तो सबसे पहले तो जो भी है रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट, उसको लिखेंगे. दे सेड टू मी को चेंज हो जाएगा दे आस्क्ड मी. If I had been trying to convince them for joining the IHLP class at Learn ESL. तो ये हमने कैसे बनाए? सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट लिखा दे आस्क मी, फिर हमने ज्वाइन किया दोनों सेंटेंसेस को if की मदद से. If plus subject plus had been plus verb की first form के साथ ing, then rest of the sentence. जैसा कि हमने यहाँ पे रूल पे लिख रखा है, ये अप्लाई होता है फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव में. What if it's second type of interrogative? तो उसका रूल होगा सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट और फिर स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन WH वर्ड से, उसके बाद वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे. ही आस्क्ड, उसने पूछा तुम कल क्या कर रहे थे. सो ये स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन वर्ड से, व्हाट वर यू डूइंग. इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे? सबसे पहले तो लिख देंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट, उसके बाद में कनेक्टिव वर्ड ही होगा WH वर्ड, जो भी आया है सेंटेंस में, व्हाट, व्हाई, जैसे यहाँ पर आया व्हाट. उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ही वॉन्टेड टू नो व्हाट आई हैड बीन डूइंग द डे बिफोर. यस्टरडे को हमने डे बिफोर में चेंज किया है. क्लासेस आप रोज़ से ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने डे बिफोर क्यों चेंज किया है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो पास्ट इंडिकेट वर्ड्स होते हैं उनको हम चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय. ओके, सो दिस वाज फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट. Well, this was for today's video. I hope you like it and understood well. If you do, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.